सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, रेमंड लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रेमंड का जो स्टॉक प्राइस गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, इंट्राडे में 30-36% गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, 2000 के आसपास है। तो ये गिरावट अचानक से क्यों आई है रेमंड लिमिटेड में, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एक खबर बनी हुई थी डीमर्जर की। दोस्तों, एक हफ्ते पहले डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने, रियल एस्टेट बिजनेस को अलग करना था, उसका अप्रूव किया था कंपनी ने। और अचानक से आज जो एक गिरावट देखने को मिल रही, तो एक अपडेट भी आया है कंपनी की तरफ से। तो इस अपडेट की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 2000 के आसपास है और 36% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। जो हाई बनाया था रेमंड के स्टॉक ने 3400 के आसपास, आज के दिन 2000 के आसपास है। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, इस पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं, निवेशक क्या करें उसकी बात करेंगे। अब जैसे कि बहुत सारे निवेशक हैरान परेशान होंगे जिन्होंने निवेश किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा रेमंड लिमिटेड में। स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी रही है। ब्रांड है रेमंड लिमिटेड, और कंपनी के द्वारा पिछले कुछ समय से खबरें बनी हुई थी डीमर्जर के बारे में। एक हफ्ते पहले आपने देखा होगा कि कंपनी के द्वारा अप्रूव किया था रियल एस्टेट बिजनेस को अलग करने के लिए, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स को और रेगुलेटरी से अप्रूवल लेना था। आज के दिन की जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, या नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, प्लस में कारोबार कर रहा है 2000 में, और उसका कारण है डीमर्जर हो गया। दोस्तों, जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, कंपनी की तरफ से अपडेट आया है, 10 जुलाई 2024 को अपडेट आया है, और इसमें देखिए इक्विटी शेयर्स ऑफ रेमंड लिमिटेड RL और द डीमर्ज कंपनी एंड रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड फॉर्मली नोन एज रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड RLL। तो एक तरह से डीमर्ज हो गया है, ये अपडेट आया है 10 जुलाई 2024 को। और इन्होंने आगे की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट अपडेट है, RLL सेल इशू एंड अलॉट 4 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स RLL हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹2 इच फॉर एवरी 5 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फेस वैल्यू। तो RL टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और इसका जो रिकॉर्ड डेट था, इसका जो रिकॉर्ड डेट है 11 जुलाई 2024, 5 शेयर जो निवेशकों के पास होंगे रेमंड लिमिटेड के, उनको 4 शेयर मिलेंगे RLL के। दोस्तों, रेमंड लाइफस्टाइल के, और इसकी रिकॉर्ड डेट थी 11 जुलाई 2024, एक्स डेट भी 11 जुलाई 2024। ये अचानक से एक तरह से अपडेट आया है। तो आज शेयर प्राइस डीमर्जर का जो रेशियो है उसके अनुसार एडजस्ट हुआ है। दोस्तों, तो इसमें घबराने की बात और परेशान होने की बात नहीं है इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने कल तक शेयर खरीदे हैं, जो आज खरीदारी कर रहे हैं। वैसे तो सर्किट लगा है, जो आज खरीदारी करेंगे उनको शेयर्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जिन्होंने कल तक रेमंड लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं, 5 शेयर खरीदे हैं, तो 4 शेयर मिलेंगे। दोस्तों, तो अपने अनुसार रेशियो लगा लीजिए, और इसमें हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अचानक से कंपनी ने अपडेट दिया है, और ये शेयर अगस्त और सितंबर तक मिलेंगे। दोस्तों, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कि बहुत सारे निवेशक परेशान भी हो जाते हैं कि कब शेयर मिलेंगे, तो अगस्त और सितंबर तक मिलेंगे ये। तो ये अचानक से जो गिरावट आई है, तो डीमर्ज हो गया एक तरह से रेमंड लिमिटेड, तो निवेशकों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, तो ये अपडेट आया है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आज रिकॉर्ड डेट थी, एक्स डेट थी, ये अचानक से अपडेट है। तो रेमंड लिमिटेड का स्टॉक इसीलिए नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, और आगे इसके नतीजे आएंगे, नतीजों के अनुसार फिर स्टॉक चलेगा आगे। और पिछले 4-5 साल की बात करते हैं, तो एक मल्टीबैगर बना है, और आगे भी अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक फिर से तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये रेमंड लिमिटेड का अपडेट है, जो अचानक से गिरावट देखने को मिल रही है, 36% की जो गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों,